कॉफी बनाने लग गई। मुझे जिम दे रही है। हाउ केयरिंग यू। दूसरे को भाई ये है आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो दिल्ली आए हुए हमें 3 से 4 दिन हो गए हैं, मन हमारा बिल्कुल नहीं लग रहा है। हम लोग आते ना नए ट्रिप का प्लान करने लगे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, वो हमारा अभी से स्टार्ट हो गया नई ट्रिप के लिए प्लान करना। तो आज मैं आई हूँ मजनू का टीला। मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं सुबह गई थी डॉल मफी को निलवाने ग्रूमिंग के लिए लेके, वहाँ से मेरे को कॉल आता है रस्ते में मेरी स्कूल फ्रेंड का कि यार MKT आ जा। मैं उन लोगों से ना प्रॉपर जो मिल रही हूँ ना, वैसे मैं उनको 2-3 दफ़े ऐसे टकरा गई हूँ, बट प्रॉपर मिलना होता है ना वो आज होगा 4 साल बाद ऑलमोस्ट। मैं यार एक तो सोशली में रस्ते में हूँ, फिर घर जाकर एकदम से रेडी होना थोड़ा पॉसिबल होता। मजनू का टीला मेरे घर से बहुत दूर है, मेट्रो से भी बहुत दूर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं बहुत टाइम से उन लोगों से मिलना चाहेगी, बस हम लोगों का प्लान नहीं बन पा रहा था। कौन नहीं चाहेगा अपने स्कूल फ्रेंड से इतने टाइम बाद मिलना, लाइक प्री इवनिंग और जिनको यहाँ से रिक्शा करना है वो लोग ऑलरेडी 1 घंटा हो गया। उन्होंने मेरे को एकदम एंड मोमेंट बताया जब वो ऑलमोस्ट 1/2 घंटे तक में पहुँचने वाले थे वहाँ पर। मजनू टीला, हाँ जी हाँ जी, मजनू का टीला चले जल्दी चलिए भैया। बस सबको बताया था कि मैं 4 साल बाद प्रॉपरली अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, बिकॉज वो प्लान बनाते थे पर मेरे को बताते नहीं थे सच में। तो फाइनली मैं अपने स्कूल फ्रेंड से मिल रही हूँ और ये सारे मेरे क्लासमेट्स ही हैं, ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं और अब दोबारा करीबी होने की कोशिश में है। तो शी इज गौरिका, ये मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मतलब क्या बोले उसे आशिमा, मेरे क्लासमेट्स एंड कशिका। सर काफ़ी जन ने सुना है नाम मेरे मुँह से कशिका का, मैंने बोला हुआ है अपने ब्लॉग में पहले भी। एंड ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत 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 अच्छे। मैं इनसे बहुत सारी कॉसिप्स करूँगी, जानूंगी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, और आप सबको बताऊँगी। मतलब आप समझ लो ना फील, दोस्तों से स्कूल फ्रेंड से मिलने के बाद कैसी फील आ रही है, कैसा लगा इतने टाइम बाद मेरे से मिल गए। You have changed completely, which is something I wish I could say, but I can't say that because that's not true. बोल रही है डड़बड़ बोली। मेरे से कि तुम बदल गई हो, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं नहीं बदली हूँ, पर तुम बदल रहे हो। नहीं कोई नहीं बदला अभी तक, नहीं बदला कोई नहीं बदला, सब ऐसे ही वैसे है। लुक्स में या फिर लाइक लुक्स में भी अभी तक सेम ही हो, बस ये मोटी होगी थोड़ी सी, सही हो गई। बड़े बहुत पतली थी भाई स्कूल में, और इसमें भी चेंज हो गए अच्छे उसमें, और ये तो बदल ही गई है। अरे मजाक कर रही यार, कैफे में लाइट चली गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। ओह माय गॉड, बाहर अच्छा लग रहा है, सिग्नेचर ब्रिज है। खाना जस्ट आए तो लाइट चली गई, लाइट नहीं आएगी कभी, अभी लाइट नहीं आएगी, इन्वर्टर नहीं है यहाँ पर, ये तो गलत है। आपने इतना बड़ा कैफे खोल रखा, इन्वर्टर नहीं लगाया। पूरा खा लिया, अब बारी आती है डेजर्ट की मीठी। हाँ ये आशिमा ने बनाया है डूडल, ओके। इसने नाम रखा है कागा, कागा कशिका आशिमा गौरिका आयुषी। अरे नहीं मैं ये हूँ क्योंकि मेरा चश्मा नहीं है, ये तीनों के चश्मा है। नाइस, और पीछे कुछ नहीं है, और भैया से कंप्लीट करो, पूरा कंप्लीट करके दो, आर्टिस्ट है भाई मेरे तो। नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से प्लान बनाएंगे, और अभी उसका कल एग्जाम है, फिर भी बाहर घूम रही है, आप देख लो कैसे है वो। कोई नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय बाय। सुपर टायर्ड भाई। बस अभी 15 से 20 मिनट पहले मैं घर आई हूँ, और मेरे को एक लड़के का कॉल आ गया कि चलने मेरे साथ, मेरे को बहुत भूख लग रहा है। वो लड़का कौन ही होगा यार, 8 साल से एक ही लड़का है, एक ही लड़का है जो मेरे को बहुत परेशान करता है 8 साल से, तो कर ही रहा है परेशान, आगे भी करता ही रहेगा परेशान। 8 years and still counting? अरे चलना चलना क्या होता है, इसने रील डाली ऐसी 8 years and still counting? वो तो रील थी बस। अच्छा वो 8 साल झूठे हैं, मतलब वो रील तक ही है। अच्छा वो झूठे हैं, आया तो नहीं है पर रील तक ही है। अच्छा वो 8 साल से रील तक है, सोच कितनी गंदी और छोटी है, बेकार सोच का इंसान, मतलब फेक है ये, फेक बंदा। कुछ तो बोलने में कुछ नहीं खा रही थी, बोलने ना
जो 70 रुपए की, तो मैं उसको यहाँ पर आके बोला कि यार इससे अच्छा तो मैं ही बना दूँ घर में 70 रुपए। तो क्या यहाँ बोल रही है, वहाँ नहीं बोली, मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात। 70 रुपए एक कैन लेने से अच्छा है वो भी इतनी से कैन है। टू है। हाँ हाँ हाँ, कोको विल्स ले ले, ये रे ये रे, बड़े वाले पे नहीं, 100 रुपए वाला ठीक है। लिया आज ना बहुत टाइम बाद यूं मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं गाड़ी ड्राइव करूं। देखो मेरे को ना थोड़ी थोड़ी आती है, एक तो मैनुअल मेरे को ड्राइव करना बहुत मुश्किल लगता है, मैंने ऑटोमेटिक भी चलाई हुई है वो मेरे को बहुत इजी लगती है मैनुअल से, बिकॉज मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ हाथ लगाओ पैर चलाओ तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और मेरा दिमाग मतलब ऐसा हो जाता है एक दिमाग कितनी सारी चीज़ें सोचेगा, समझ रहे हो मेरी बात, वैसा सीन है। बट थोड़ी बहुत मेरे को आती चलनी, खाली रोड में मैं इजिली चला लेती हूँ सीधी सीधी। आर यू रेडी टू गिव मी योर कार? या ये या में दर्द है या डर है? डर है या दर्द है? डकार है। डकार है, ठीक है। अभी मतलब खाली रोड नहीं है, मतलब खाली रोड है बट ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रोड है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर से गाड़ी ठोक दूंगी, तो बेटर है कि मैं खाली रोड पे लूँ और टाइम बाद मैं चलाऊंगी गाड़ी। अभी थोड़ा दिमाग में पता नहीं चला पाऊंगी नहीं, कुछ नहीं पता। अपनी अमानत इसको थोड़ी देर के लिए दे रहा हूँ मैं। चिल्लाते रहिए ऐसे। गेट भी ढंग से बंद कर देंगे। मुझे क्या हो रहा है, लोगों को आजकल खूब तेज तेज वो चला रहे हैं गाड़ी वाड़ी, तू धीरे चलाइयो, लोग तो बहुत तेज चला रहे हैं, ये मत चला यार। नहीं नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा गाड़ी में, फिर दिखेगा वो फ्लैश जला रही है। सही आ रही हूं। तू सही आ रही है, गाड़ी चला चुपचाप भाई। क्लच दबा, क्लच तो दबा, पहले गाड़ी लॉक कर। क्यों कर लॉक कर? नहीं नहीं इससे चलिए भी ठीक है, मेरे को भी आता है। गलती से हो गई तो मेरे को भी आता है। पहले गियर तो डाल, पहले हैंड ब्रेक तो नीचे कर लूं। ओ दो हाथ लगते हैं हैंड ब्रेक नीचे करने के लिए। अभी क्लच पे लगाना ना गियर। हाँ क्लच लगा, ये बटन दबाना है? नहीं बैक का गियर लगा, लगा तू खुद ही, मैं नहीं लगा रही, टाइम नहीं इतना मेरे पास गियर लगाने का। लगा दिया गियर? अरे यार बीच वाला ब्रेक था, या बीच वाला ब्रेक था ना? हाँ धीरे धीरे क्लच छोड़, धीरे धीरे छोड़, अपने आप चल जाएगी। छोड़ तो चुप हो जा, कल छोड़ेगी क्या? उस साइड स्टीयरिंग काट थोड़ा सा, इस साइड गड्ढा है बहुत बड़ा एक। बाहर ही है, मेरे को उधर तो दिख ही नहीं रहा। तो आप तो उसको खुद सोचते, तू ब्लॉगिंग करती है ऐसे मेरे मुंह पे फोन रख के, तो मेरे को क्या दिखता होगा? दूसरा गियर भी लगाना है भाई, बस फर्स्ट गियर भी लगाऊंगी। फर्स्ट पे कोई नहीं, फर्स्ट पे मेरे को ये बता, अगर मेरे को थोड़ा धीरे कर, हल्के धीरे कर, आवाज हो रही है। अगर मेरे को थोड़ी सी ड्रिफ्टिंग करनी हो, इनको कैसे हटाऊंगा आगे से मेरे? क्यों आ गए, हटना, चल 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 आगे। देखो गाइस फालतू में लौंडे कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि मैं गाड़ी चला रही हूँ। सही चला रही है वैसे, रोड ही खाली है तो सही गलत क्या ही बताऊं मैं। अच्छा स्पीडिंग कर लिया, देखो डर लग जाएगा इसमें, और ग्रीन लाइट हो गई, मेरे को निकलना पड़ेगा फिर। मैं बेचारा सीट बेल्ट लगा ले, बहुत तेज चलाऊंगी मैं, ग्रीन लाइट हो गई है। अबे चल ना, अबे अब मैं कैसे करूं, कैसे करूं? सीधे चलती रह, राइट लेफ्ट कैसे देखूं भाई? राइट से मैं कैसे बोलूं उसको कि मैं आ रही हूं? चल चल चल, पंजा दबा दे पूरा, दबा दे दबा दे दबा दे, देखो 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 देखो। अरे 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 गाइस ये आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि पहले गियर पे है ना। ठीक है, तेरा डेस्टिनेशन ही आने वाला, हल्की इधर रख भाई, बीच में पीछे और बाइक भी वहां से कोई आ रहा है? हाँ इधर रख, हल्की बता देना एक बार, हाथ कर दे। नहीं 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 नहीं, वो लड़की बता नहीं सकते उसको, बस वो निकल जाएगा अपने आप। देख के बाइक है साइड में, डराओ मत, मैं नॉर्मली चला रही हूं, दिख रहा है वो देखेंगे ना, मैं थोड़ी देखूंगी। नहीं तेरे को ही देखना पड़ेगा भाई, मैं देखूंगी उनको, उनको दिखते रखे, मैं मतलब गाड़ी चल रही है तो वो देखेंगे ना मेरे को, गाड़ी चला रही है। ये फ्यूचर है, देखो पता है फ्यूचर ऐसा होगा कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और तू साइड में बैठा हुआ है ब्लॉगिंग कर रहा है। चल लेफ्ट में लेके अब रोक ले, कभी सोच रही हो घर के नीचे तक लेके जाएगी तो ये चीज। अब गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही है, इसको नहीं आएगी ना, वो इधर वो साइड जा रहा है, या मेरे को उधर करना नहीं आ रहा, मेरे को डर, मैं बीच में उस साइड करना नहीं, बीच में क्यों? अच्छा मैं कर रही हूं, कर रही हूं, क्लच पे पैर रख, पहले क्लच पे पैर रख, पूरा एंडिंग तक, हां पूरा दबा के रख, अब बस, अब मैं कर लूंगी, कर लूंगी यार, ब्रेक दबा, पता है मेरे को अभी बहुत दूर है। अरे बस मैं बिल्कुल एंड पे थोड़ी रोकेगी, कैसा
ड्राइविंग कैसा था? क्या एक पहले गियर पे पंजे दबा के रखा, कैसा था ड्राइविंग? पर अच्छी थी यार, मतलब इस बार मेरे को ज्यादा स्टीयरिंग इधर उधर नहीं करना पड़ा, वैसे जब भी चलाती है ना। और इस बार तो क्लच गाड़ी बंद भी नहीं हुई। हाँ, बंद भी नहीं हुई, वैसे बहुत टाइम बाद चलाई है, बहुत टाइम बाद चलाई, तो बंद हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। तो यार तू चलाइए फॉग लैम्प जला, खाली खाली फॉग लैम्प जला दे। मेरे को थोड़ी पता है फॉग लैम्प कहाँ से चलने, सत्तर चीज लगवा रखी गाड़ी में। देखो कितनी सारी चीज है, क्या क्या करना पड़ता है। जा अपनी जगह पे बैठ जाके। मैं नहीं जा रही बाहर, सब कौन उतरेगा यार बाहर बाहर। देख लो भाई रात के 1:30 बजे हैं, ये इंसान क्या कर रहा है, अननेसेसरी कुछ इतनी क्या कर रहा है। आ गया पागल, पागल आ गया पागल। ए पागल, चौंदा सा मुंह दिख गया बस इसमें। चौंदा सा मुंह, ये कैसे खुश हो रही है अंदर ही अंदर बैठी बैठी, फोटो देख बेटा। अच्छी खींचे दोबारा से, मैं मुंह हटा देती हूँ। नहीं सही है, वो डार्क कर दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है इतनी। हैंड ब्रेक खींच ढंग से, हैंड ब्रेक खींच। हाँ हाँ, सीट तो नहीं छेड़ी, हैंड ब्रेक। हाँ हाँ, अब क्लच पे क्लच कर, पैर लगा और चला गाड़ी, आराम से चलाइयो। देख के देखो, देखने ट्रक आ रहा है, तू रेड लाइट क्रॉस कर रहा है। ओ विशाल बाइक आ रही है यार, आर यू मैटर व्हाट। मुझे पता है ना भाई, क्यों टेंशन ले रही है तू। नहीं आती तो गाड़ी चलानी, इससे अच्छी गाड़ी चाहिए। मैंने स्मूथ भी इतना किसी डर की तो चिल बैठा था, मेरा बीपी बढ़ रहा है। मैं कॉफी पी भी के भी आ गया, बंदे आते मेरे लिए कॉफी बनाने लग गई। हाउ केयरिंग यू, क्यूट फील कर रही है, देख खुद का। हट, कॉफी बना चल। बड़ा तूने पी लिया। आई बड़ी नहीं, मेरे लिए भी बना दे, अपने लिए भी बना ले, और अभी के लिए भी बना दे। एक लीटर दूध और है, शेक कौन सा ले इसके लिए? ये क्या बात है, तू सस्ते में टरकारी है। सस्ते में टरकारी है और कॉफी नहीं पिएगा वो। है भाई, तो उसमें उसमें क्या होता है फिर? कॉफी होती है वो भी। चॉकलेट शेक है विशाल वो। ओहो चल अच्छी सी बनाइयो, ठीक है, चीनी ठोक के। गरम भी नहीं आती, पी के आ गया बाहर से। आइसक्रीम कम और चीनी ठोक के। आइसक्रीम बाद में डालेगी ऊपर से, ये मेरी स्पेशल कॉफी। ये भी इंतजार कर रहे हैं दोनों, तेरे हाथ की स्पेशल कॉफी। अरे यार मैं बनाता अपनी स्पेशल भाई, जो होम साइंस वाले दिन बनाई थी मैंने। ये केले इस टाइम ना बिल्कुल परी की शक्ल जैसे हो रखे हैं, बिल्कुल परी की शक्ल जैसे है। इनकी हालत तो तेरी जैसी हो रखी है। अच्छा अलग अलग मेन्यू है क्या, रात में कॉफी सुबह बनाना शेक? केयरिंग केयरिंग शेयरिंग चल रही है। क्या है दोपहर का? और ये ले भाई, तुमने खाना नहीं खाया ना अभी तक? खा लिया तूने? तूने जब से मेरे साथ ये हांडरी कहाँ खाएगी? तो ये मेरी स्पेशल कॉफ़ी है जिसमें वैनिला आइसक्रीम डाली है। मेरे को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है, बट ख़त्म हो गई है। ऊपर से मैं डालूंगी ये कैरेमल का सिरप। मैं सोचती हूँ कि गेस्ट आए हैं तो कोई उनको एकदम अच्छा ही दो खाने का। ये सिरप निकल क्यों नहीं रहा? दबाओगे तभी तो। मेरी स्पेशल कॉफी रहती है, इसे मैंने एक और चीज ऐड करी, कैरेमल। बैड प्रेजेंटेशन यार, वो सिरप निकल ही नहीं रहा था। सिरप वाली बात नहीं, सबसे पहले तो कांच के ग्लास में दी जाती है। अबे चल चल, इतना नहीं हो रहा, तू कोई कांच के ग्लास में तेरे लिए वो करें हम। कॉफी तो ठीक था, साथ में ये क्यों आ गया कॉफी के? कौन ये? वो तो क्यूटी है एक, वो तो हर जगह रहता है। चीनी डाल। ओह शिट, ओह शिट, चीनी डाली नहीं। मशीन आया, भूल गई भाई को तेरे। सॉरी गाइस, और कॉफी, और मैंने इसको अपनी बेस्ट कॉफी का नाम दिया था, मैं चीनी डालने भूल। तो मैंने अपनी गलती सुधार ली है, मैं चीनी डालना भूल गई थी जल्दबाजी में, तो अब मैंने चीनी डाल दिया। अरे हटो भाई, ये लो पियो पियो कॉफी और बताओ कैसी बनी है। आई नो बहुत अच्छी बन। अब अच्छी है, ऐसा तो नहीं थोड़ी करेगा तू, किसी के तेरे लिए किसी ने रात में कॉफी बनाई है। अच्छी है, मजा आ गया भाई, खुशी से करना। मजा आ गया यार। चल अपनी कर, भाई बड़ी खुशी चाहिए इन्हें। आई डोंट लाइक दिस गाय, आई हेट दिस गाय गाइस, आई हेट हिम। द नेक्स्ट डे क्या ही फुल इसकी बात सुनना। अरे भाई मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है, मैं पढ़ के भी तो पूरा गई थी, ऑटो में भी पढ़ते पढ़ते गई थी। अरे मैं कह रही हूँ अभी मैं एक डेढ़ मतलब 2 घंटे तक आ रही हूँ। अब विशाल आयुषी आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए अभी 10-15 मिनट में, तो उनके साथ जाऊंगी अभी। अरे परसों पेपर है तो मैं आ रही हूँ ना, मैं एकदम से आते ही थोड़ी पढ़ना शुरू कर दूंगी, 2-2.5 घंटे तो ब्रेक ले लूंगी मैं, अभी लिख के हटी हूँ जस्ट। द्वारका तो द्वारका कौन जा रहा है?
देख लो भाई करेगा। अरे तो वो तो मेरे को लेने आ रहे हैं ना, वो तो रास्ते में निकल चुके हैं। झूठी आस्था। मैं 8:30 तक मैक्स आ। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं ऐसा सोचा कि आज मैं बहुत ही तहजीब से, तमीजदार, बहुत ही आराम से बात करूंगी। कुछ नहीं है, बस हीरा मंडी के इफेक्ट्स हैं, अच्छे इफेक्ट्स। मैं ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी, बिल्कुल क्या है, सॉरी। बहुत ही तहजीब से भाई, मैंने पूरी हीरा मंडी देख ली है और ये बहुत अभी बैक टू दिल्ली से लगा दी। क्या है ये, क्या है ये? कलाकार हमारे सामने ज्यादा वो मत करेगी आप, ऊंची आवाज में बात करेगी उससे। अरे क्या कहते हैं उसमें लोंडो को, नवाब से ऊंची आवाज में बात करेगी। नवाब शक्ल देखिए आप, नवाब की नवाब है। कलाकार हम, कलाकार है आकर्षित, कुछ और कलाकार है। मैं मानता हूँ तेरी इंग्लिश अच्छी पर हिंदी बेकार है। आकर्षित वो होता है अट्रैक्ट करना भाई। हाँ, वो तो हमें क्यों अट्रैक्ट करेंगी? नवाब साहब किसके मुंह लग रहे हैं, हमारे पास आइए। चलना हटना, खीरे मूली ड्रेस पहन के आ गई, सोच रही है बिल्कुल वो लग रही है। वो बिबो जान से तमीज से बात करिए। बिबो जान के मारूंगा एक लठ, कर दूंगा चटपट। चटपट नवाब साहब, ऐसे कई नाम हमें बहुत लोगों ने दिए। लोग चटपट बुलाते हैं। भूलिए मत, हम अपनी सारी तहजीब भूल जाएंगे और आपको इतना गंदा सुनाएंगे कि रोते हुए अपने महल लौटेंगे। जब आप देख लोगे तब बताना इसको कि हम कौन है, हम एक कलाकार है। क्या हीरा मंडी की, किसने कहा कि हम हीरा मंडी से हैं? किसने कहा? हमारी खुद की एक हमारी खुद की मंडी है, वो है सब्जी मंडी। From सब्जी मंडी। ट्रैफिक पुलिस एवरीवेयर। बोल दीजिए हम आए हैं, हट जाएंगे सारे ट्रैफिक पुलिस वाले। मुझे तो मारेंगे तेर में मारेंगे, दो चाटे बाल पकड़ के। किसी की इतनी जरूरत नहीं कि हमारे बाल पकड़े। तो आ गए हौसकास और डायरेक्ट आते ही इसकी फेवरेट जगह, तेरी भी यही है क्या फेवरेट? तहजीब। अरे वो चलना, इतना मारूंगा तू होगी तवायफ, मैं नहीं हूँ कुछ भी, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। नाइस, चलो भाई। हेलो भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया, लाइफ ठीक है। अब तुम रोकोगे तो भाई तुम पे ही जाएगा कैमरा। चलो, क्या ऑर्डर देना होता है ना, क्योंकि लैंग्वेज इश्यूज होते हैं। गाड़ी में छोड़ दी। उनका नाम मोटी नहीं है, मोटी जान गई है। मोटी जान ट्राइमैक्स यूज करते हैं। ट्राइमैक्स स्कूल के टाइम में बहुत चलता था भाई। अबे जिस पे ट्राइमैक्स होता था ना उसकी वाह वाही होती थी क्लास में, आई समझ। नवाबों ने से पैसे लुटाए ना उससे ही लाइए है ना, सोने के सिक्के बेच के। ना मोटी जान अपना ऑर्डर लिखिए। और आप मेरी जान क्या खाएंगे? हम खाएंगे घोष वाले नूडल। मैं वेज खाऊंगी, मेरे में से मार ले हाथ। नहीं भाई, मैं अपना अलग खाऊंगा, भूख लग रही है मेरे को। अब मेरे ऊपर लिखेगी क्या? ट्राइमैक्स लेके होश नहीं ले रही है, सोच ही जाके ऐसा क्या मंगाऊं जिससे ट्राइमैक्स के पैसे वसूल हो जाए। आज हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। मैं बहुत टाइम से नवाब के साथ ये ट्रिप पे जा रही है, वो बैंकॉक जा रही है। तो भैया अपने घर चला जाऊंगा, देखो साफ सीधी बात है। उसका नसाब लेके जा रहा उसे कहीं नहीं, मेरा नसाब क्यों लेके जाएगा? मोटी जान आपने बताया नहीं हमें। मैं तो खुद जा रही हूँ यार, ऑर्डर कर लूँ? तो मैंने कौन से आपके हाथ पकड़ रखे हैं? ले भाई लिखना है जो तेरे को मंगाया, तो वही तो लिखेगा ना। बदला नहीं लग रहा मेन्यू, बहुत ही बदला बदला यही कहीं तो होता था। ये क्या राबो की विद मेरा ड्रिंक है। देखो कितनी गंदी राइटिंग है। नहीं भाई तू खा ले, मंगा ले, हम खा लेंगे। किमची फ्राइड राइस वेज लिख दिया जरा, विद मोमो। विद मोमो वेज में मोमो आएगा, ऑब्वियसली बात है। कुछ नहीं आता उसको, रबड़ नहीं है इनके पास। रबर मिटा नहीं आता। अबे रबड़ क्यों रखेंगे, उन्हें थोड़ी पता है ऐसे बंदे आ रहे हैं। रबड़ चाहिए इसको, इस पे होगी रबड़ तो क्यों होगी, पेंसिल क्या ड्राइंग करके। हरी का एक नया नाम रखा है, पूछ क्या? बिबिम्बाप, आयुषी बिबिम्बाप। कितनी खुश हो रही है। नहीं भाई पागल है क्या? ये है बिबिम्बाप। अच्छा है, प्लेटर ही तो है। बिबिम्बाप क्यों नहीं खाती तू?
उस दिन तो घास पत्ती खा रही थी जब वहाँ गई थी मजनू का टीला, अच्छे से नूडल खाने हमारे साथ। तुम्हें लगता है ना कितनी चंट वो है, ये वीडियो में क्यूट दिखती होगी तुम्हें, बहुत चंट है ये, चंट नहीं है मोटी है। मैं चंटू अब बता, मतलब तू कुछ चंट कह रही है? हाँ तू है, क्योंकि भाई आज तेरी शक्ल बताती कितनी, जो एक होती है ना, एक एक होती है क्यूट लड़कियाँ, एक होती है चश्मे वाली लड़कियाँ, एक होती है चंट लड़कियाँ, वो है ये। क्या हुआ, एक कौन सी कैटेगरी आ गई? क्यूट, चश्मा और चंट। जैसे होता नहीं आंटियों में, नहीं होता कि भाई ये औरत तो इतनी लड़ाकू है। मैं एक सोसाइटी की बात बता रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट थोड़ी कर रहा हूँ भाई, होता है ना सोसाइटीज में, अब जैसे आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, तो जैसे तेरी मम्मी ने मेरी मम्मी को बताया, तुम्हें पता है भाभी इससे बात नहीं करना, ये औरत बहुत लड़ाकू है। वैसे लड़ाकू तू लगती शक्ल से, चंट। तो मतलब बड़े होकर लोग तेरे बारे में ऐसी बातें बोल सकते हैं, जो तेरी पड़ोसन होगी ना, जैसे मोटी भी हो सकती है तेरी पड़ोसन। शादी में रहना है, शादी करके एक ही घर में रहेगी, शादी करके एक ही घर में रहेगी। हाँ तो अलग क्या, तो फिर साहू की कैसे बनेगी उससे? साहू की कैसे बनेगी उससे भब्बे मारेगा उसको। साहू और भब्बे ने स्ट्रीट में ऐड करके एक दूसरे को, हैं सोच ले कैसी 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 फोटो भेज रहे होंगे एक दूसरे को। भब्बे आजकल तेरे से बात कर रहा है? देख बस तो समझ जा, अब तू साहू ले गया भाई, साहू का ऐसी है। व्हाट अबाउट यू बिबिम्बाप? बिबिम्बाप नहीं, आप मेरे को प्यार से जान बुलाओ। मैं बताऊं क्या बुलाऊंगा तेरे को प्यार से? अबे चल ना टकोची भाई, मेरे को बुरा बोलो अच्छा बोलो, बट मेरे को यह ना कि मेरा खाना है और मुझे बिल्कुल ही पसंद, मैं इस वजह से इरिटेट हो रही हूँ उससे। देखो देखो मैंने बता एक चटनी चखा है, बंदा खाया जाए खाई जाए, अच्छा है ना, अब उधर मुंह करके बैठ जाओ। जो भी है यार, अपना पंगा आता नहीं है, मेरे पे खाने में हाथ मारता है। देखो 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 एक कोक मंगाई है बस इसने, बोल दे मेरा भी मैं खाना मंगा लेता हूँ, बोल दे। बोल तेरे मुँह पे दबा नहीं है, बोल बोल बोल। वो पेपर ले आना मेरा पेपर, क्यों ऐसे मुँह से बोल दे? बोल दे यार, बोल दे कि ऐसे कर दे सीम। No. मैंने सोचा अपनी जान साहब को शॉपिंग करा दी जाए, अच्छी तो लग रही है। क्या बोलेंगे भाई? क्या करते रहता दोनों? बहू हो तो ऐसी हो, वरना ना हो, वो ही ना, वरना ना हो ऐसी लड़ी। मैंने देखा नहीं, देखो गौर से, तो साइज एल है, तो ये भी एल है, एल एक्सल लेके आऊं? एक्सल है क्या मालूम, ये भी उतना ही आएगा, बड़ी बड़ी लग रही है, पहन में लाती हूँ अभी तक। अरे यार भाई गर्मी ने हालत खराब कर दी, इसलिए मैं जा रही हूँ उसको आइसक्रीम दिलाने, वेज गुलाटी वाली जो हम खुद बना नहीं सकते। पागल बना रही है, खुद खानी थी इसलिए कह रही है। तो दोनों मिल बांटी खाएंगे ना, तो ये क्या होता है पर्टिकुलर इसको दिलाने जा रही है? क्योंकि तू भी खाएगा, मैं तेरे मैं तू अगर मना वो मेरी मर्जी होगी ना कि मैं दूंगा नहीं दूंगा तेरे को, मैं मेरे को दिलाने जा रही है ना तू। अबे सुन एक काम, गाड़ी में जाके बैठ जा, मैं अपने लिए ले रही हूं आइसक्रीम, बदतमीजी करता है, शेयर नहीं करेगा मेरे साथ। लास्ट टाइम इनके यहीं से मैंने बाल कटवाए थे अपने, ये आइसक्रीम वाली ले ले। कौन सी लूँ, कोल्ड लूँ या फिर बार लूँ? बार। कौन अच्छा रहेगा, बार? दोनों सही रहेंगे। बार कर दो आप, चॉकलेट वाले। डिप कर दो आप मिल्क या डार्क? मिल्क। मिल्क चॉकलेट। अब मीठा खाने का उतना मन नहीं कर रहा ना। कुछ ऐसे बनेगी आइसक्रीम, मेरे को बहुत पसंद है। सारी टॉपिंग मिल जाएगी खत्म। स्किन केयर लेना तेरा? नहीं अभी तो लिया था, यूज भी नहीं करा, खोला भी नहीं अभी। क्या बात है, क्या कुछ कहने वाली थी, बोली नहीं फिर भाई, ले जब से नहीं पूछ रही, अब कह रही है ले ना, 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 अरे ले ना, ड्रामे करती है, ये ड्रामे नहीं है, ये तो प्यार है, सीरियल में नहीं है, दे खा गई ना खुद, तेरा घाटा, अगर तुझे खा लेते ना तो बहुत तरक्की करता लाइफ में अपनी, जबरदस्ती करता कसम से। तुम सबको कह रही थी ना मैं हाथ तो हटा दिखा, तो मेरे लिए ली थी और ये देख लो, मैं बात करते सारी खा गई, क्या करूँ, तुमने अभी 2 सेकंड पहले पूछा था खाएगी, ऐसी है ये। तो भाई ये पहली जगह है जहाँ मैं और विशाल फर्स्ट टाइम मिले थे, स्कूल के बाहर पहली बार हम लोग यहीं मिले थे, ये सामने देख रहे हो इसी जगह पे मिले थे, यहाँ पर बिल्लू दी हट करके है, 500 रुपए लेके आई थी लड़ते, हाँ मतलब उस टाइम 500 रुपए भी बहुत होते थे,
तो मेरे को लगा था कि लाएगा नहीं एक रुपया भी, तो मैं ले आई थी। बट इसने जब अपनी जेब कंजर लगता था उस टाइम से, तो जब इसने भी जेब से निकाला कि नहीं नहीं मेरे पास है, मैं बड़ी सेटिस्फाइड होगी। मैंने कहा चल ठीक है अब दोनों मिल बैठ के ले लेंगे हम। लड़का सही है, दोस्ती करने लायक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट सोचते तो बेटा मेमोरी बहुत यहाँ से है यार। और एक टाइम पे ना मोटी तेरे को तो पता नहीं है, यहाँ पर एनएसपी में हमने पैम्पलेट्स बांट दी 300 रुपए के चक्कर में। उन्होंने कहा था कि हम आपको 300 रुपए देंगे, आपको पैम्पलेट्स बांटने हैं आपको ना। हाँ मैंने विशाल ने खूब बांटे, 300 रुपए भी नहीं दिए। 300 रुपए भी नहीं मिले थे। हाँ वो इसके रिलेटिव में ही था कोई। हाँ कोई नोन में था मतलब मेरे। तो उन्होंने कहा कि तुम पैम्पलेट बांट दो, हम तुम्हें 300 रुपए देंगे। आप 300 रुपए भी नहीं दिए, पैम्पलेट ही बंटवा दिए। ऐसा भी हुआ सोच, फिर भी मैंने इस लड़की का साथ नहीं छोड़ा। तेरे रिलेटिव के लिए मैं बांट रहा था, तू नहीं बांट रही थी मेरे लिए आई वाली। 300 रुपए तो तू के साथ छोड़ेगी, छोड़ना मेरे को चाहिए 300 रुपए नहीं मिले मेरे को। अच्छा मेरा गलती है और क्या, डील तो तूने करी थी ना 300 रुपए की, अब नहीं बोल सकती तू बेटा। यहाँ पर बहुत गलत आग लग गई, सारे बाहर निकल रखे हैं। बोरी 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 आग वहाँ लगी हुई है, बहुत गंदी आग। कॉल करिए घर पे, कुछ क्या हो रहा है वो दिख रहा है धुआं वहां से। आग की खुशबू आ रही है ना? नहीं इतना भी नहीं है। तो फिर किसी खुशबू है, पेट्रोल पेट्रोल की, बट आग लग गई भाई। भाई जहाँ भी कुछ और जो इन सब लोग सेफ हो, बस चश्मा लगा रखा है अपना, ऊपर धुआं निकल रहा है। तो फिर ये रास्ता क्यों बंद कर रहा है आग से, इस रास्ते क्या मतलब है? तो इस रास्ते में कुछ हुआ है मेरे हिसाब से, वो देखो नीचे लगी हुई है शायद। नहीं वो तो फायर ब्रिगेड की है वो तो यार। वो देखो भाई ये है आग, ये अहूजा उसमें लगेगी गलत आग। खड़ी खड़ी करके देखने जाऊंगा। हाँ देखेंगे क्या हुआ है, सब सेफ हो यार बस जो भी हो।